प्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में मिलने वाले मात्र 10 रुपए के एलईडी बल्ब के बारे में। आपकी बिजली का बिल आए दिन और ज्यादा लंबा होता जा रहा है, जिससे बिजली की खपत भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और बिजली महंगी भी होती जा रही है। बिजली खपत को लेकर ही बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी पूरी सजगता के साथ काम कर रही है। इसको लेकर ही अब केंद्र सरकार ने अहम पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत ही अब सरकार ने एलईडी बल्ब के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की पहल की है। इसमें सरकार की तरफ बाजार से काफी कम कीमत पर एलईडी लाइट बेचने की तैयारी स्वरूप अब सरकार आने वाले समय में सामान्य बल्ब को छोड़कर कम दाम में एलईडी बल्ब बेचने की व्यवस्था कर रही है, जिसके तहत अब केंद्र सरकार ने ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है, जिसके परिणाम स्वरूप ही देश भर में 15 मार्च से ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को 10 रुपए में एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत ही 9 और 12 वाट के 5 एलईडी बल्ब प्रत्येक उपभोक्ता को दिए जाएंगे। इसको लेकर केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत अब सभी गांव में कैंप लगाने की तैयारी की जा रही है। इस योजना के लिए नियुक्त कर्मी गांव में प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के घर जाएंगे और उनसे पुराने 5 बल्ब के बदले में 10-10 रुपए में नए एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। ई वेस्ट प्रक्रिया के तहत पुराने बल्ब को डिस्पोज करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो 60 वाट के पुराने बल्ब के बदले 9 वाट के नए एलईडी और 100 वाट के पुराने बिजली बल्ब के बदले 12 वाट के नए एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। हालांकि इस योजना की शुरुआत पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में होने वाली है, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में इस योजना की शुरुआत भोजपुर जिले से होने वाली है और लगभग 25 लाख एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। दूसरे चरण में राज्य के करीब 1 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। इसका मकसद ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह करने वाले हैं। अब आइए जानते हैं एलईडी बल्ब क्यों है जरूरी। जानकारों की माने तो अगर आपके घर में पुराने बल्ब लगे हुए हैं तो उनकी जगह आप एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में CFL लगाई गई है तो उसकी जगह आप एलईडी बल्ब को ही इस्तेमाल करें। अगर आप कहीं पर 10 वाट की CFL का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप 3 वाट की एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे ज्यादा रोशनी मिलेगी, और अगर आप कहीं पर 40 वाट के CFL का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह आप सिर्फ 12 वाट का एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें तो वो उससे ज्यादा रोशनी देगा और इस तरह से आपके बिजली की भी काफी बचत होगी। अब सवाल ये है कि आखिर जो बल्ब बाजार में लगभग 80 रुपए में मिलती है तो सरकार नुकसान वहन करके कैसे आम नागरिकों को केवल 10 रुपए में यह बल्ब उपलब्ध करवाने वाली है। तो हम आपको बता दें कि 9 वाट के एलईडी बल्ब जिसकी कीमत लगभग 70 रुपए और 12 वाट के एलईडी बल्ब की लागत लगभग 80 रुपए है, ऐसे में 10 रुपए में बिजली उपभोक्ताओं को बल्ब देने के बाद बचे हुए 60 और 70 रुपए प्रति बल्ब की लागत की भरपाई केंद्र सरकार करने वाली है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्बन क्रेडिट फंड का लाभ लिया जाएगा। इस तरह पर्यावरण संरक्षण करने की एवज में भारत को इसका फायदा मिल जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रीन एनर्जी योजना में प्रत्येक देश अपने संशोधनों को विकसित कर जितना कार्बन पर्यावरण में जाने से रोकते हैं उस मात्रा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संबंधित देश के लिए कार्बन क्रेडिट फंड बनता रहता है। आपको बता दें कि इस फंड का इस्तेमाल संबंधित देश कर सकते हैं। ग्राम उजाला योजना के तहत भी भारत संयुक्त राष्ट्र से कार्बन क्रेडिट को कैपिटलाइज करेगा। इससे उपभोक्ताओं पर भार भी नहीं पड़ेगा और सस्ते दर पर उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब भी मिलेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार एलईडी बल्ब को इतने सस्ते में मुहैया करवाने के बाद क्या बिजली की खपत में कोई कमी आएगी या नहीं, अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।